Hey guys, welcome back. In this video, we will be talking about the frog. हमने फ्रॉग महाराज के लिए जो है एक पूरा दिन निकाला है. इस पूरे दिन में हम सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग पर ही वीडियो बनाएंगे. अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रॉग, द एनाटॉमी. एनाटॉमी के अंदर आपके सारे के सारे सिस्टम आ जाएंगे, उसका चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हर चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो दिस होल डे एंड ऑल द लेक्चर्स कमिंग अप फ्रॉम नाउ आर डेडिकेटेड टू फ्रॉग ओनली. वैसे भी यार बरसात का मौसम है. So I just want to pray for all the flood affected areas in on like India before starting this lecture. So I want you to pray also. और उसके बाद हम लोग जो है अपना lecture start करेंगे. So frog is very important from examination. धोखाधड़ी जो है इस topic में हुई थी पिछले साल. दो question आए थे यहाँ से और बोला ये गया था कि they were actually not from frog, they were from the taxonomy. यानी कि क्वेश्चन थे एग्जैक्टली फ्रॉग से, विच वर फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन ऐसा बोला गया था कि वो क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली फ्रॉग से नहीं थे, वो जो है टैक्सोनॉमी यानी कि आपके एनिमल किंगडम से पूछे गए थे. तो इस तरीके से काफी बार जो है मिसकंसेप्शंस आ सकते हैं यार. और क्वेश्चन ऑब्वियसली अगर एनसीईआरटी है तो बनता है उसे पूरा पढ़ना. सिर्फ चार पेजेस के लिए आप 8 नंबर का रिस्क नहीं ले सकते. हो सकता है अगले साल फिर कोई क्वेश्चन पुटअप कर दे. हालांकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपको एम्स के लिए तो पढ़ना है ही. तो जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ लें, 4-5 वीडियोस अगर आप एक्स्ट्रा देख लें 10-10 मिनट की, इट्स नॉट अ बिग डील. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ऑलराइट, सो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं अबाउट द टैक्सोनॉमिकल पोजिशन. हायरार्की से हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा. आई होप आप बताएंगे, जिसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रॉग एनिमल है या प्लांट है. हम सबको पता है कि वो एनिमल है, तो किंगडम एनिमेलिया में ये प्रेजेंट होगा. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल. ऑलराइट, हम ब्लैक ही ले लेते हैं यार, ब्लैक मेरा थोड़ा फेवरेट भी है. फाइलम, उसके बाद हम बात करते हैं. इफ इट वाज अ प्लांट, यहां पर एक और वर्ड हम यूज करते हैं, डिवीजन. इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज नथिंग लाइक फाइलम, देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड डिवीजन. ऑलराइट, अब फाइलम की अगर आप यहां पर बात करें तो फाइलम यहां पर क्या है, अगर आप बात करें यहां पर फाइलम की, तो वो हम छोड़ देते हैं अभी ब्लैंक. ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, लेकिन अभी हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं. सुपर क्लास की हम बात करते हैं. सुपर क्लास यहां पर नाम आया है, यहां पर क्लास नाम आया है. काफी सारी ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो सुपर क्लास जो है वो है यहां पर इसकी टेट्रापोडा. ओके, टेट्रापोडा आप देखेंगे 4 जो है यहां पर लिम्स होती हैं, तो इसे बोलते हैं टेट्रा मींस 4 एंड पोडा मींस पोड्स या फिर अपेंडेजेस. ऑलराइट, सो नाम में ही सब कुछ है. क्लास इज व्हाट आप एम्फीबिया यहां पर लिखेंगे. अब आपको पता है दैट फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, सो एम्फीबिया आप यहां पर लिखेंगे. ऑलराइट, नाउ एम्फी मींस ड्यूअल, सो यहां पर इसका जो है ड्यूअल कैरेक्टर होता है. किस वे में ड्यूअल होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. ऑर्डर यहां पे है मेरे दोस्तों एन्यूरा. ओके, A-N-U-R-A, एन्यूरा. ये अंडरलाइन सिर्फ मैं वैसे कर रहा हूं समझाने के लिए. यू हैव टू अंडरलाइन जीनस एंड स्पीसीज ओनली अकॉर्डिंग टू द यू नो बायनोमियल नोमेनक्लेचर. अब यहां पर जो सबसे कॉमन आपको मिलता है फ्रॉग इंडिया में, दैट इज राना टिग्रीना, तो वो आप यहां पर लिखेंगे. ऑलराइट, और यहां पर आपके यार फाइलम क्या होगी, आप सोच के देखो आराम से, कि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में से आता है. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा. तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेरमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमीडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. तो कॉर्डेटा जो है उसके बाद उसकी आप डिवीजन जब पढ़ते हैं तब आप सुपर क्लासेस वगैरह की बात करते हैं, तो यहां पर आपका कॉर्डेटा आएगा. तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो कि आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, कि एटलीस्ट आप यहां तक तो कुछ ना भूलें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस. ये आपको एटलीस्ट अर्थवर्म, फ्रॉग और आपको कॉकरोच का तो याद होना ही चाहिए. ओके, सो किंगडम आपकी होगी एनिमेलिया, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हमें पता है एनिमल है, सबको पता है, बचपन से पता है. फाइलम इज कॉर्डेटा. ओके, यहां पर जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो कॉर्ड से वर्ड आया है दोस्तों कॉर्डेटा. ऑलराइट, सो इसीलिए इसको कॉर्डेटा में रखा गया है. टेट्रापोडा, अब इसके नाम में घुस जाते हैं. टेट्रा मींस 4, पोडा मींस अपेंडेजेस. तो अगर आप फ्रॉग बनाते हैं, समझ लो यार ऐसे बना रहे हैं, तो 2 इसके हाथ होंगे और 2 इसके पैर होंगे इस तरीके से. ऑलराइट, सो 1, 2, 3, 4, टेट्रा. ओके, टेट्रा मींस 4.
एम्फीबिया, एम्फीबिया मीन्स डुअल कैरेक्टर। एम्फीबियन इन्हें इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये डुअल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन वाटर प्लस दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड ऑल्सो। एंड हु इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ब्रायोफाइट्स भी जो है लैंड प्लस वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। सो एम्फीबिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर, क्योंकि हम एम्फीबियंस के अंडर ही फ्रॉग को पढ़ते हैं। एन्यूरा इज द ऑर्डर एंड जीनस एंड स्पीसीज आर राना टिग्रीना। इट मीन्स दैट राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम, वेयर राना इज द जेनेरिक नेम एंड टिग्रीना इज द स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस और स्पीसीज जब हाथ से लिखे जाते हैं तो हमेशा अंडरलाइन किए जाते हैं, और जब आपके बुक में प्रिंट होते हैं तो साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक्स में होते हैं, जो टेढ़े अक्षर आप लोग देखते हैं हमेशा उसमें होते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल एंड द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ स्पीसीज और द स्पेसिफिक एपिथेट इज ऑलवेज स्मॉल। ऑलराइट, सो इसीलिए यहां पर मैंने इसको कैपिटल से स्टार्ट किया है, इसको स्मॉल से स्टार्ट किया है। दिस इज द क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की अगर आप देखें। अब आप सोचोगे यार यहाँ पे आपने जो है फैमिली वगैरह नहीं बताई, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपको सिर्फ मेजर ऑफ द चीज़ें पता होनी चाहिए। देर आर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, ओके, यू कैन नॉट लर्न ऑल दीज थिंग्स फॉर ऑल ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं आपको कोई प्लांट दिखाऊं तो आपको ये जरूर गैस करना है कि हाँ यार ये एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, और आपको एटलीस्ट किंगडम प्लांटे लिखना है और साइंटिफिक नाम लिखना है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपको हर चीज भी पता करना जरूरी नहीं है। सो देर आर ओनली 3 ऑर्गेनिजम्स इन योर सिलेबिया, सिर्फ आपको इतनी चीजें उन सब में याद करनी है। देर आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉकरोच, यू नो फ्रॉग, नाउ कॉकरोच दिमाग में बैठा हुआ है बिकॉज इट इज इन द सिलेबस। सो लैंड प्लस वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस मेक्स दिस इंडिविजुअल एम्फीबियन। ओके, एम्फीबियन का मतलब होता है इट कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन फ्रेश वाटर सोर्सेज। मैराइन वाटर में मिलने के चांसेस जो है काफी कम रहते हैं, फ्रेश में ही यूजुअली ये मिलता है। सो फ्रेश वाटर प्लस लैंड में पाया जाता है, इसका मतलब टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वाटिक दोनों कंडीशंस। इट इज पॉइकिलोथर्मिक एनिमल और इट कैन बी कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इट मीन्स दैट यहां पर जो बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट यूज टू यू नो कीप फ्लक्चुएटिंग, ये जो है चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें नॉर्मल यू नो टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स की, तो वहां पर हम बोलते हैं कि परम इज द ट्रिक, लेट मी टेल यू बाय अ सिंपल ट्रिक। परम यहां पर आती है आपकी पाइसिस, पाइसिस मीन्स योर फिशेज। यहां पर आपका आता है एम्फीबिया, यहां पे आपका आता है रेप्टाइल्स, यहां पे आपका आता है एव्स, एव्स यानी कि आपके बर्ड्स, और यहां पर आपके आते हैं मैमल्स, मैमल की यानी कि हम लोग। सो पाइसिस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दीज आर मेजरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड एव्स एंड मैमल्स आर यूजुअली वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट रहता है, वी कैन रेगुलेट आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर हमें सर्दी लग रही है तो हम अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। अगर हमें गर्मी लग रही है हम अपनी बॉडी को ठंडा रख सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास मैकेनिज्म है। ओके, जब आप शिवर करते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स जो है खड़े हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी में पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे कि मैं अभी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ तो आई एम स्वेटिंग राइट नाउ। सो देर आर सम मैकेनिज्म्स विच यूज टू यू नो कीप योर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्वाइट कॉन्स्टेंट। जब आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बताते हो, आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज बताते हो। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं नॉर्मल कंडीशंस, एंड दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, बट यू कैन नॉट गिव सच काइंड ऑफ टेम्परेचर फॉर दीज इंडिविजुअल्स। जैसे ही आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदला, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एंड दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल। ओके, पॉइकिलोथर्मल या फिर कोल्ड ब्लडेड इन्हें कहा जाता है। वार्म ब्लडेड होते हैं चिड़िया लोग, पक्षी लोग और हम, यानी कि एव्स एंड मैमल्स। ऑलराइट, सो दीज आर पॉइकिलोथर्मिक, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दे कैन कैमोफ्लेज। आपने फ्रॉग को देखा होगा, काफी जगह देखा होगा, आपने ग्रासेस में देखा होगा, आपने लैंड पे देखा होगा। इट यूज टू चेंज इट्स बॉडी कलर। ओके, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द लैंड इट विल बी समवट ब्राउनिश इन कलर एंड डार्क ग्रीनिश। अगर वो घास में है तो, अगर लाइट ग्रीन कलर की घास है तो वो अपनी बॉडी के यू नो कलर को थोड़ा बहुत उस तरीके से चेंज कर लेता है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट,
लेट्स से देयर इज अ बर्ड विच इज गोइंग टू हंट दैट यू नो फ्रॉग. अगर कोई फ्रॉग को खाने के लिए चिड़िया आ रही है और बैकग्राउंड एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है, समझ लो यार ये फ्रॉग है रेड कलर का और ये व्हाइट बैकग्राउंड पे बैठा है, तो ये साफ साफ दिखाई देगा और दिखाई देगा और समझ लो ये कोई बर्ड है विच इज गोइंग टू ईट दैट, और इट इज लाइक एनी स्नेक और एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रॉग खाने आया है तो वो डायरेक्टली इसे खा लेगा. सो टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज ये क्या करता है, ये मिमिक्री करने की कोशिश करता है, मिमिक्री करने की कोशिश करता है अलग अलग चीजों की. अगर ये लैंड पर है तो ये पत्ता बनने की कोशिश करेगा, ओके पत्ते जैसा दिखने की कोशिश करेगा, उस जैसा कलर बना लेगा जिससे कि अलग अलग पत्तों में आपको फ्रॉग दिखाई ना दे. ऑलराइट, सो फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन कैमोफ्लेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, जो आर्मी की ड्रेस है वो यार ऐसे ही इस कलर की नहीं रखी गई. ओके, आर्मी की जितनी भी सारी चीजें होती हैं सारी की सारी ग्रीन रहती हैं बिकॉज उन्हें घास में जो है बहुत सारा काम रहता है, तो वो जब भी मतलब जंग वंग पे जाते हैं तो उनकी सारी चीजें जो रहती हैं एक ही कलर की रहती हैं, सो दैट कि एनिमीज उनको आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए. उनके तंबू और उनकी ड्रेसेस, उनकी गाड़ियां, सब कुछ एक कलर की रहती है. वो किसी ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कलर नहीं लिया हुआ, बल्कि उसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है, दैट इज कैमोफ्लेज. आप जितने कम कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड में जाओगे आप उतने कम दिखाई दोगे, और जितने कम दिखाई दोगे आप अपना काम जो है आप खुद की प्रोटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे. सो कैमोफ्लेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉग टू सर्वाइव, अदरवाइज इट विल बी हंटेड. नाउ स्लीप, स्लीप मीन्स हमने यहां पर एक पॉइंट पढ़ा कि इट कैन नॉट यू नो रेगुलेट इट्स इंटरनल कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इट्स ऑब्वियस. सो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सर्दी में या बहुत ज्यादा गर्मी में आपको फ्रॉग ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ये एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर निकलता है. सो यहां पर क्या रहता है, इट यूज टू स्लीप एंड द नेम्स ऑफ दो स्लीप्स आर डिफरेंट. नाम जो दिए हुए हैं उन स्लीप्स को वो अलग अलग हैं. समझ लो ये अगर सर्दी में सो गया तो उसका अलग नाम है, और ये गर्मी में सो गया तो उसका अलग नाम है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दोज नेम्स, ओके, एंड अ ट्रिक टू मेमोराइज देम. ओके, सो इट इज समर एंड दिस इज विंटर. अब विंटर की जो स्लीप है इसको दोस्तों हम बोलते हैं हाइबरनेशन. ओके, हाइबरनेशन में कहीं भी एस नहीं आया, इट मींस दैट इट इज नॉट द समर स्लीप. अब यहां पर आप डालेंगे एस्टिवेशन. ओके, नाउ हियर एस इज प्रेजेंट, इट मींस दैट समर स्लीप इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन एंड योर विंटर स्लीप इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन में क्या होता है, सर्दी के दौरान जो है फ्रॉग किसी बरो के अंदर चला जाता है, किसी एक ऐसे इलाके में चला जाता है जहां पर उसे ज्यादा सर्दी ना लगे, एंड सेम इज इन द केस ऑफ यू नो समर्स. और समर में अगर सो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग एस्टिवेशन, यानी कि अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को अभी जहां एनवायरनमेंट है जो खुला आसमान उससे थोड़ा सा दूर कर लेता है और किसी ऐसी जगह जाए जहां पर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एटलीस्ट थोड़ा बहुत रेगुलेट कर पाए. अगर वो बाहर निकला तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो जाहिर सी बात है यहां पर काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि यू नो वेरी करते हैं, और इसी हिसाब से जो है वो स्लीप कर सकता है. सो समर स्लीप इज एस्टिवेशन, विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन. ऑलराइट, सो आई होप दैट यू गॉट द बेसिक ओवरव्यू अबाउट फ्रॉग. आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे समझ में आ गए होंगे. अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे अबाउट द मॉर्फोलॉजी, और उसके बाद जो है हम लोग काफी सारे और एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे ऑफ एनाटॉमी विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड यू नो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. किसी और इंडिविजुअल के बारे में इतना पढ़ना इज ऑब्वियसली वेरी गुड थिंग. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी. 15,000 फॉलोवर्स हम लोगों ने क्रॉस कर लिए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डू हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए. थैंक यू सो मच.